आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2024 में पितृ पक्ष आरंभ हो चुका है। पितृ पक्ष 18 सितंबर बुधवार से आरंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। इस दौरान पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, पितरों का आह्वान करना, पितरों को तृप्त और प्रसन्न करना, ये आवश्यक बताया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पुण्य सलिला वैनगंगा का उद्गम सिवनी जिले से है। शिव की नगरी सिवनी कहलाती है और सिवनी के करीब मुंडारा में ये वैनगंगा नदी यहाँ से उद्गमित हुई है और मुंडारा से उद्गमित वैनगंगा नदी के लखनवाड़ा घाट पर 18 सितंबर को सुबह 5:30 बजे से तर्पण आरंभ हो गया है। पितरों का तर्पण, पितरों का आह्वान, पितरों को प्रसन्न करना, पितरों को जल देना, ये काम यहाँ पर आचार्यों के द्वारा कराया जाता है। आचार्य यहाँ पर लगातार ही अलग अलग घाटों में अलग अलग आचार्य बैठे होते हैं और उनके द्वारा जो भी यहाँ पर जजमान आते हैं उनसे पितरों को जल दिलवाते हैं, पितरों का तर्पण करवाते हैं। लगातार 16 दिन तक ये लगातार जारी रहता है। एक तरह से पूरी तरह निःशुल्क होता है इस तरीके का पितृ तर्पण का कार्य। पितृमोक्ष अमावस्या पर जजमान यथाशक्ति दान आचार्यों को देते हैं और यहाँ देख सकते हैं वैनगंगा के तट पर कितने विधि विधान धर्म भाव से यहाँ पर आप देख रहे होंगे तर्पण का कार्य कराया जा रहा है आचार्यों के द्वारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आचार्य यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और वे आपको किस तरह से तर्पण करना है, आपका जनेऊ कहाँ रहना है, आपके गमछा कहाँ होगा, आप कुशा आदि कुश के पैथी आदि किस तरह से धारित करेंगे, कब फूल और चावल के जरिए तर्पण करेंगे, कब काली तिल के जरिए तर्पण करेंगे, कब जौ के जरिए तर्पण करेंगे, वे एक एक मंत्र बोलकर आपको बताते हैं और बहुत ही सामान्य तौर पर बहुत ही सरल तरीके से उनके द्वारा ये कराया जाता है। लखनवाड़ा घाट वैनगंगा का आपको दिखाई दे रहा होगा और कुछ दिन पहले बारिश हुई है इसलिए पानी थोड़ा सा आपको मटमैला भी दिखाई दे रहा होगा। सुबह सवेरे जब यहाँ पर पहुँचते हैं श्रद्धालु तो सबसे पहले घाट की मिट्टी को उनके द्वारा साफ किया जाता है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु सुबह से पहुँचना आरंभ हो जाते हैं जो 10 और 11 बजे दिन तक लगातार ही जारी रहता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर स्नान करते हैं, स्नान करने के उपरांत विधि विधान से पूरे विधि विधान से यहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है। आचार्य अगर वहाँ से जब चले जाते हैं तो ये देखिए आचार्यों के जाने के उपरांत जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो जजमान पहुँचते हैं, उनमें से बहुत सारे स्वयं ही देखिए उन आपको दिखाई देंगे, हम अभी आपको दिखाते हैं, स्वयं ही विधि को पढ़कर ये देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं किस विधि से उन्हें तर्पण करना है। वे स्वयं भी कर सकते हैं, आप स्वयं भी इसे कर सकते हैं, आचार्यों के मार्गदर्शन में भी आप इसे कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में वैनगंगा का लखनवाड़ा घाट और इस लखनवाड़ा घाट को बहुत सुंदर घाट में तब्दील किया जा सकता है। ये जगह रमणीक स्थल बनाई जा सकती है। ग्राम पंचायत लखनवाड़ा को चाहिए कि वे जन सहयोग से इसे रमणीक स्थल में तब्दील करने का प्रयास जरूर करें। सिवनी के बहुत सारे युवाओं के मन में ये अभिलाषा है, इच्छा है कि इस लखनवाड़ा घाट को बहुत सुंदर घाट में परिवर्तित किया जाए। आने वाले लगभग 5-7 सालों में ये शहर के अंदर अगर वैनगंगा नदी आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी अभी अगर आप सिवनी से वैनगंगा की ओर जाते हैं तो मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा ही आपको ऐसा प्रतीत होता है जो
जहाँ पर बसाहट नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच में बसाहट नहीं है, बाकी शेष जगहों पर बसाहट है। देखिए यहाँ पर विधि किस तरह की है, वे पढ़कर स्वयं ही यहाँ पर पिंडदान और तर्पण यहाँ पर जजमान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पितरों के प्रति कृतज्ञता सभी को ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि पितर हैं तो हम हैं, आप हैं, पितर नहीं अगर होते तो हम आप शायद इस दुनिया में नहीं होते। आज हमारे पितर अगर आप जिसके भी माता पिता नाना नानी दादा दादी आदि का निधन हो चुका है, वे देवलोकवासी हो चुके हैं, तो उन्हें इस अवसर पर पितरों को जल देना चाहिए, इस तरीके की मान्यता है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है, महाभारत में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, पितर का उल्लेख हर जगह मिलता है पितृ पक्ष का। तो इसलिए सभी को ये चाहिए कि अपने पितरों को इन 15 दिनों में याद अवश्य करें। देखिए वैनगंगा नदी में डुबकी लगाकर सर्वप्रथम स्नान, स्नान के बाद फिर पूजन पाठ, पितरों का ध्यान। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको लगातार ही सिवनी जिले के साथ ही देश विदेश के अपडेट लगातार दे रहे हैं। इसके साथ ही धर्म कर्म से संबंधित समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा एक पृथक से चैनल आरंभ कराया गया है, आप उसे भी देखना ना भूलिए। धर्म क्रम कर्म की जानकारी उसमें आपको काफ़ी विस्तार से रोजाना देने का प्रयास समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। पितृपक्ष का पहला दिन आज 18 सितंबर बुधवार 2024, बृहस्पतिवार 19 सितंबर 2024 को दूसरा दिन रहेगा, और दूसरे दिन आपको किस तरह से तर्पण करना है इस बात की जानकारी भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी इस वीडियो खबर के जरिए दी जा चुकी है, आप उसे देखना ना भूलिएगा। पितृ पक्ष के पहले दिन यहाँ पर लोग तर्पण करते हुए, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।